हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज मैं आपको कटर के बारे में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, हमारे पास ये कटर है, ये सब ग्राइंडर कटर है, ग्राइंडर में इसे यूज कर सकते हो। ये ग्राइंडर के लिए कटर है, अब यूज कर सकते हो ग्राइंडर में ला के। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे, इससे आपको क्या है, कंक्रीट दीवार काट सकते हो। अगर पाइप डालना है, बिजली फिटिंग करना है, तो आप इससे काट सकते हो, बिल्कुल आसानी से काट सकते हो। आप इससे दीवार काट सकते हो, दीवार, पत्थर, जो भी कंक्रीट, ये काटने के लिए। दूसरा हमारे पास ये है, ये लकड़ी के लिए है, ये लकड़ी का ब्लेड होता है। आप लकड़ी इससे ग्राइंडर में लगा के लकड़ी बहुत ही आसानी से काट सकते हो। और इस ब्लेड के बारे में बताएंगे आपको, इससे आपको लोहा काट सकते हैं, लोहे के लिए है। कैसा भी लोहा है, ग्राइंडर में लगा के लोहे को कटिंग कर सकते हैं। और ये ब्लेड का काम क्या होता है, ये देखिए आप, ये ब्लेड का काम क्या होता है, लोहे को घिसाई करते हैं, जैसे बेल्डिंग मारते हैं, और जो मोटा बेल्डिंग हो जाता है उसको प्लेन करने के लिए ये काम आता है, ये उसके लिए ये ब्लेड उसमें यूज करते हैं लोग। और दूसरा ये पत्थर का घिसाई करने के लिए, जैसे पत्थर में, पत्थर या कंक्रीट या कुछ भी हो, पत्थर पे आप घिसाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये पत्थर घिसने के लिए काम आता है ये ब्लेड। और इसके बारे में, ये लोहा घिसने के लिए है, और ये फिनिशिंग, लोहे में जैसे फिनिशिंग करना है तो इसको यूज करते हैं, देखिए। और ये लकड़ी को पॉलिश मारते हैं ना, इसके लिए दोस्तों, ये लकड़ी का पॉलिश करने के लिए ये ब्लेड काम आता है। इसमें एक बोल्ट लगता है, आप ऐसे लगा के बोल्ट में ये जाम हो जाता है, फिर ग्राइंडर में आप लगा दो, तो ये लकड़ी घिसाई करने के लिए होता है। और ये दोस्तों, ये ऐसा ब्लेड है जिससे आपको ये पॉलिश करता है, जैसे SS हो गया या स्टील का अगर पॉलिश करना है तो इससे पॉलिश कर सकते हैं, चिकना चिकना हाट आ जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करके और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो ख्याल रखिए अपना और अपनों का। जय हिंद, वंदे मातरम।